So hello everyone. A very very good afternoon, good evening to all. Good afternoon. Sorry <laughs> again. I'm for again. I forgot that this is a gate English class. Yeah. So good afternoon. So today's class, as you can see on the slide, yeah, the uh, the articles. Yeah. So before we start with this article, good afternoon, Akansha. So before we start with this article. Uh, I was thinking that why should not we cover grammar in its, uh, you know, in its entirety when we talk about YouTube live classes. Okay, so uh, from next week onwards, we are gonna have uh, three classes on alternate days. That is from, uh, that is on Tuesday, on Thursday, and on Saturday till examination. You will find these classes for your better preparation. Okay, now, so in today's class, we are gonna looking on uh, some questions which we have discussed so far. Uh, for last i think four classes okay so today will be uh, today will be a rapid fire based on all those four classes now uh, the questions that you will find here will be from one questions i have included from paragraph sections uh, two questions from spelling mistakes two questions from synonym word meaning that are there in fact you will uh, you know you will witness a kind of examination where you, you will feel like that you are appearing in a real time great examination that's how these questions are designed okay so i would request all of you that since there are a lot of questions so we we will start i think it's 302 we will wait for one more minutes and then we are going to quickly start and have a look upon all those questions all those 25 questions okay so uh, let's say uh, let's uh, let's wait for others to join and meanwhile those who are new to this class one good news for you guys that uh, यू कैन गेट ऑल दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन आई एफ एस वेबसाइट यू जस्ट नीड टू गो देर यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट ओके बच्चे जाना है अपने वेबसाइट पर देखना है जो भी आपका रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको मिलेगा वहाँ पर साथ में जैसे फेब में एग्जाम में बहुत बच्चे हैं जैसे आप देखो इंग्लिश की क्लास होने वाले हैं ना इंग्लिश का जो नया बैच बैच आने वाला है वो आपका जनवरी एंड में आने वाला है फ्रॉम थर्टी एथ ऑफ़ जनवरी ओके सो दो वीक की क्लास है बच्चे अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम से पहले आपका इंग्लिश थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए तो डेफिनेटली आप उस बैच लाइफ को एक बार ज्वाइन करें ओके एंड स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि बैच लाइफ में किस तरीके से पढ़ाई होती है देन अगेन आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू गॉइज कि आप जाएँ ऑफर आई थिंक आज तक शायद आप लोग परमिसिबल हैं आ, बैच लाइफ ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी बैच लाइफ में जा सकते हैं आपको सिर्फ क्या करना है आपने बच्चे सिर्फ आप जो डाउनलोड करेंगे ऐप आप, आपका जो यूज़र नेम है और जो आपका पासवर्ड है वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सिर्फ दिए हुए व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपका बैच एक्टिव हो जाएगा ओके गुड आफ्टरनून दीपिका सो ऑन दैट नोट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू हैव यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस प्रपरेशन इन रियल टाइम देन डेफिनेटली आप जो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है थर्टी एट ऑफ जनवरी इंग्लिश का स्पेसिफिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं ओके नेक्स्ट वीक जैसे नेक्स्ट वीक अगर आप देखें तो बैच लाइव में एक टॉपिक लॉन्च होने वाला है अगर आपके लिए श्योर sure होना चाहते हैं डेफिनेटली आप जाए वेबसाइट विजिट करें और बैच लाइव के पार्ट बने एग्जामिशंस आर राउंड द कॉर्नर वाइज प्लीज़ बी सीरियस ओके इस बार सब ने गेट एग्जाम निकालना है ठीक है इंग्लिश में इनफैक्ट आपने सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन लिमिटेड हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सिंस इट्स थ्री ओ थ्री स्टार्ट करें जल्दी से से येस और नो दो वर प्रेजेंट हेयर जल्दी से बोले बच्चे स्टार्ट करें येस और नो एंड बिफोर वी स्टार्ट सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपके सही होंगे आपने काउंट करना है और लास्ट में आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं चलिए स्टार्ट करें देखते हैं आप लोगों ने पूरे हफ्ते कितनी तैयारी की है ओके okay, चले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा चले फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक पैराग्राफ है ये पैराग्राफ बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तो यू विल द पैराग्राफ से That the old city of Koginsburg, which had a German majority population before World War II, is now called Kaliningrad, okay? After the events of the war, Kaliningrad is now a Russian territory and has a predominantly Russian population. It is bordered by, number one, the Baltic Sea on the north and number two, the countries of Poland to the south and west, and Lithuania to the east respectively. So we have total three geographical conditions here. Baltic Sea, number one, number two, the, uh, the south to the Poland, and number three, the east to the Lithuania. These three options that we have now. The question says that which of the statements below can be inferred from this passage? Okay, this passage to which is statement of say appropriate? answer. Option number one says that Kaliningrad was historically Russian in its ethnic makeup. Number one, number two, Kaliningrad is a part of Russia despite it not being contiguous with the rest uh, with the rest of russia number 2 number 3 Kon konigsberg was renamed kaliningrad as that was its original russian name and number 4 poland and lithuania are on the route from kaliningrad to the rest of russia so this is the question kindly have a look kindly try to uh, kind of come up with one conclusion which is most appropriate in this particular context these questions are bache pyq gate examinations yeah these are questions from the you can see here yeah this gate 2014 okay so these questions are very much frequent akansha says sir option number b that kaliningrad is a part of russia despite it not being contiguous with the rest of the russia okay so far only one answer bache jaldi se answer karna hai kya hoga iska answer दीपिका जी what is your answer क्या है आपका आंसर बच्चे जितने भी लोग प्रेजेंट है जल्दी से आंसर बताएं what is the answer सो so, देखिए बच्चे गुड आफ्टरनून अनुरूप जी गुड आफ्टरनून सो so, जल्दी से आपके पास बच्चे एक मिनट है आप इस पैराग्राफ को देखें जल्दी से आंसर करें टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करने हमने चले देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जल्दी से बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना देखो इस क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास हिंट क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया किसके बारे में कलिनी ग्रैड के बारे में एंड कॉनिक्स कॉनिक्स बॉर्ग के बारे में है ना दो टेरिटरी हमारे पास इन दोनों का नाम कहाँ पर है ढूंढो एक आपका बच्चों यहाँ पर है ना और एक आपका यहाँ पे है कैरा विच हैड अ जर्मन मेजोरिटी पॉपुलेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर टू इज नाउ कॉल्ड कलिनी ग्रैड बट आफ्टर द इवेंट्स ऑफ वॉर इट इज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी इट मीन्स कलिनी ग्रैड वॉज हिस्टोरिकली रशियन इन इट्स एथनिक मेकअप ये ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो गया गलत हो गया है ना तीसरा क्या है टॉनिक्स वॉज रीनेम्ड कलिनी ग्रैड एज डैट वॉल्ड इट्स ऑरिजिनल रशियन नेम ये बच्चों इसका ऑरिजिनल रशियन नेम नहीं था इसका ओरिजिनल क्या है इसका ओरिजिनल नेम ओरिजिनली जर्मन है इसका इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी भी गलत है ऑप्शन नंबर फोर पे आते हैं क्या है पोलैंड एंड लिथुनिया आर नाउ ऑन द राउट फ्रॉम कलिनी ग्रैड टू द रेस्ट ऑफ रसिया ओके सो इट इज बॉर्डर्ड बाय दिस ऑरिजिन ये यू विल फाइंड पोलैंड एंड लिथुएनिया इट इज़ द साउथ ऑफ द पोलैंड या पोलैंड टू द साउथ सो इन दैट सेंस ऑप्शन नंबर डी विल ऑल्सो बी इन करेक्ट वन सो वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी दैट इज कलीनी ग्रैड इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया डिस्पाइट इट नॉट बींग कॉन्टिगुअस विद द रेस्ट ऑफ ए कॉन्टिगुस मीन बच्चे बच्चे अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप अ काइंड ऑफ पार्ट दैट इज देयर इन दैट सेंस ओके सो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है क्या है ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर चले दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल जल्दी से पढ़े इसको आंसर करें बच्चों जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं है टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है क्वेश्चन so, किसके बारे में है? क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु आर डायग्नोज विद डेंगू फीवर है ना सो द नंबर वन इंसिडेंट दिस पैराग्राफ इज अबाउट अ फीवर अ डिजीज अ मेडिकल टर्म दैट इज कॉल्ड द डेंगू ना मूविंग फ्रॉम हेयर वी हैव वन अदर इंफॉर्मेशन दैट इट इज कॉन्ट्रेक्टेड फ्रॉम दाइड ऑफ अ मस्क्यटो मस्कीटो या सर ये क्वेश्चन सेट वाले भी देख सकते हैं क्या या yeah, डेफिनेटली आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है बच्चे आपके पैराग्राफ के या फिर ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ना पैराग्राफ में आपको कभी भी पूछा जा सकता है सिनोनिम एंटोनिम सो ये नहीं समझना है कि सेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है इट इज अबाउट इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ काइंड ऑफ डिजीज अ मेडिकल टर्म कॉल्ड डेंगू फीवर विच इज कॉन्ट्रेक्टेड थ्रू द बाइट ऑफ अ मस्कीटो दिस इज द फर्स्ट हिंट दैट वी हैव नाट द सेकेंड हिंट इज इट इज प्रेवलेंट वेरी मच इन नॉर्थ इंडिया सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन द सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस या मूविंग फॉरवर्ड अनदर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट अराइज अरोज इन दिस पर्टिकुलर ईयर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर इट मीन दोगुना है बच्चे है ना तो यह आपका तीसरा इन्फॉर्मेशन है चौथा क्या है चौथा यह किसका कंक्लूजन है यह कंक्लूजन है म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है उनके जो भी वर्क है उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें एक फेलियर का इंस्टेंस है ना तो ऑप्शन क्या है अ हाई पोर्शन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन हैज रिटर्न फ्रॉम नेबरिंग कंट्री नो द पैराग्राफ इज अबाउट बाइट ऑफ अ मस्कीटो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बी मोर केसिस ऑफ डेंगू आर नाउ रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द म्युनिसिपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी बच्चे एफिशियंसी जो वर्ड है आपका इसका ऑपोजिट यूज हुआ है इस वाले सेंटेंस में Deficiency, a kind of neglect. Pe kya hai? It, is, it happened due to non-functioning of what? Non-functioning of this municipal authorities. Non-functioning ba chayadrak na efficiency ka opposite antonym deficiency. So option number B BB because he antonym ke sens Now moving further, option number C says that more many more cases of dengue are now being diagnosed this year since the introduction of a new effective diagnostic test no it is not about the diagnostic test that is there this paragraph is about diagnosing patients with uh, you know malaria with dengue so in that sense option number C is also wrong option number D that the number of people with malarial fever also contracted from mosquito bites has increased this year so this is the main conclusion that we can draw paragraph paragraph of जो डेंगू फीवर है उसके ऊपर एक सर्वे की गई सर्वे में यह फाइंड आउट किया गया कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी के केयरलेसनेस की वजह से इस साल डेंगू रिपोर्ट में क्या है नंबर ऑफ पेशेंट्स टू टाइम्स हुए ट्वाइस हुए हैं लास्ट ईयर से ट्वाइस मीनस दो गुना तो आप कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट पोर्ट्रे करता है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल वी मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन यूर स्क्रीन हेयर ना बिफोर मूविंग फर्दर इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास नाउ नंबर वन नंबर टू इफ वेदर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ इट नाउ यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दिस इंटायर लेक्चर बाय डाउनलोडिंग दिस आई एफ एस फ्री एप जस्ट गो दर प्ले स्टोर डाउनलोड करना है बच्चे डाउनलोड करने के बाद आई डी पासवर्ड रजिस्टर करना है आपने यू नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉलम यू नीड टू स्क्रॉल टू जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड पर जाना है वहां पे आपने गेट एप्टीट्यूड टू जीरो टू थ्री पे क्लिक करना है क्लिक करते ही पीडीएफ आएगा डाउनलोड करना है रीजन बींग आप लोगों ने ध्यान देना है बच्चे पूरे क्लास सवाल सॉल्व करने में आपका ध्यान क्वेश्चन नोट डाउन करने में नहीं होना चाहिए आपने आई एफ एस के आप डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने क्लियर है चलिए ऑन दैट नोट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर ना क्वेश्चन नंबर फोर अगेन पी वाई क्यू फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड

आई का एक फ्री ऐप डाउनलोड करना है अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं आई के आपने नए नंबर से क्या करना है रजिस्टर करना है रजिस्टर करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे ओपन करेंगे रजिस्टर के बाद तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपने गेट एप्टीट्यूड पे क्लिक करना है ना इस पर आप क्लिक करेंगे गेट एप्टीट्यूड टू जीरो टू थ्री वाला पी डी एफ आपको मिल जाएगा क्लियर है बच्चे जनरल एप्टीट्यूड में आपने क्लिक करना है रजिस्टर करना है जनरल एप्टीट्यूड में क्लिक करना है फिर आपने गेट एप्टीट्यूड इंग्लिश पे क्लिक करना है पीडीएफ ऑलरेडी है वहां चलिए सो सो मेनी आंसर से आकांक्षा से सी सी प्राची भी कह रहे सर ऑप्शन सी होगा अंडर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों सिनोनिम एंटोनिम वो वगैरह जो होते हैं इनको समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स जैसे बाजार जाते हैं मार्केट मान लेते हैं आप कहीं घूमने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन फेसबुक यूज़ करते हैं वॉट यू कैन डू जितने भी वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में आप उनको एक बार स्पेलिंग देख सकते हैं उनका उनसे भी आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं ठीक है अच्छा गेट में जाना है जी आ, जी अनुरूप जी गेट की क्लास है तो आप गेट में जाएँ ठीक है आई एफ एस एप्लीट्यूड उसके बाद आपने गेट में जाना है चले क्वेश्चन नंबर फाइव चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्विकली आंसर क्विकली क्या बच्चे इसका आंसर जल्दी से बताएं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्विकली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स दो सेकेंड लगना चाहिए जल्दी से सबके हाथ की पैड पे होने चाहिए ठीक है ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव ए डबल आर ए एन जी ई एम ई एन टी ओके गेट पी वाई क्यू टू थाउजेंड एंड सेवनटीन ओके प्लीज डू रिमेंबर ना मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जल्दी से बताना है बच्चों क्या इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए जो भी सही वर्ड है उसका मीनिंग होता है एनी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट विच इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज डीम्ड टू बी विच इज Deemed to be is hadana Any object which deemed to be conferred with some kind of isolations, okay? Some kind of assurance, uh, assurance you can say a w -S, -S, s u r a n c e. So in that sense, this particular word is used. Option number A, very good. That is ptable. Ptable means any object. विच डीम्ड कंसिडरेबल इन ऑर्डर टू कन्फर सम काइंड ऑफ सिम्पथेटिक एटीट्यूड सिंपथेटिक एटीट्यूड मीन्स वेल एवर यू ट्राई टू रिलेट योर सेल्फ विद द काइंड ऑफ सिम्पथी विद द काइंड ऑफ इमोशंस दैट द पर्सन हैज द पर्सन विद होम यू आर इंगेज इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जिससे आप बात करते हैं अगर उनके इमोशंस का आप ध्यान रखते हैं है ना तो वो आपका एक अलग सिंपथी वर्ड होता है लेकिन अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका कंडीशन बिल्कुल खराब हो दैनीय हिंदी में बच्चे इसको दैनीय है कहते हैं है ना Hindi भी लिख देता हूं मैं ये रहा आपका आई एम सो सॉरी अगर ये गलत है बट ये आपका हिंदी स्पेलिंग है ठीक है दिस इज पीटीएबल ला क्वेश्चन अगेन द लास्ट क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ल्ड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी से आंसर देना है जल्दी से आंसर देना है ओके सो फार राखी से इज ए ओके सॉरी राका आंसर से इज ऑप्शन नंबर बी ओके क्विकली क्विकली आंसर करें बच्चों क्विकली क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड अनुरूप जी वेरी गुड सो द ऑप्शन नंबर ए एफ यू एल एफ आई डबल एल इज द करेक्ट वन ओके इट्स इट इज रिमेंबर बच्चों आप लोगों को पढ़ाया मैंने व्हाट इज होमोनिम एंड व्हाट इज होमोफोन फिर से पढ़ाता हूं मैं चलिए जो बच्चे बैच लाइफ के हैं जल्दी से बताएं क्लास में व्हाट इज होमोनिम एंड व्हाट इज व्हाट इज होमोफोन क्विकली कीवर्ड बताया मैंने फोन है यहाँ पे फोन मीन्स फेनेटिक फेनेटिक वेन एवर यू अटर समथिंग वर्बल सो वेन एवर यू स्पीच और वेन एवर यू अटर अ वर्ड विच साउंड्स अ लाइक अलाइक मीन्स विच विल प्रोनाउंस द सेम फॉर एग्जाम्पल वेन आई से थ्री वर्ड्स लाइक टी ओ टू टी ओ टू एंड टी डब्ल्यू ओ टू सो दीज थ्री वर्ड्स आर प्रोनाउंसड इन द सेम वे but the the meanings are different so whenever you will encounter these kind of words you will say these are homophones okay and what are homonyms homonyms are words which are similar in spelling for example when i say this particular word uh, any 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 homonym from uh, this batch life candidate any homonym when i say this particular word r o s e so this rose also means flower and this rose also is a past tense of rise okay

बहुत बार आता है वर्बल एनालॉगी कहते हैं उसको बताइए जल्दी से कैटल अगर हर्द से रिलेटेड है तो शिप किससे रिलेटेड होगा अगेन गेट पी वाई क्यू जल्दी से बताना है वेरी गुड देखिए आ गया आपका हम लोगों ने याद करो बच्चों एक बार बात किया था कॉमन नाउन क्या होते हैं है ना एक कलेक्टिव नाउन हमने बात किया था फ्लॉक क्या है फ्लॉक आपका एक कलेक्टिव नाउन है है ना देखिए ऐसे भी पता करना है यहाँ पे तो यहाँ मॉब भी आपका कलेक्टिव नाउन है लेकिन मॉव क्या होता है वेन एव पीपल कम टूगेदर इन लार्ज नंबर इट इज डिफाइंड एज मॉब ओके स्वाम क्या होता है स्वाम ऑफ फ्लाइज मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज फ्लाइज मीन्स इंसेक्ट्स सो वेन एव यू विल सी अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज यू नो Flying together that is called the swarm of flies, just like it is very much similar to this flock. So, flock is a group of sheep that are there in a similar way. Swarm is called a group of flies. Okay, mob is called group of people. Do remember so the correct answer is very good. Option number eight is A. Option number Sorry, question number nine. Question number nine, Nehal Patel says option number B okay option number b let's see what is the correct answer botany is related to plants it means the study of plants is categorized under one unit of biology and that is called your botany so this entomology entomology relates itself with the study of insects okay do remember insects okay surely next word number option number option number b is the राइट वन चले क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर सेवन ओके सॉरी इट इज नॉट बर्ड द करेक्ट आंसर इज इज ऑप्शन नंबर बी दैट इंसेक्ट्स ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बच्चों अगला क्वेश्चन एक्टिंग थिएटर गैम्बलिंग क्या होगा बच्चों जल्दी से वेरी गुड प्राची वेरी गुड अनुरूप क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर बी वेरी गुड आंसर क्वेश्चन नंबर टेन इसका आंसर क्या है क्विकली एक्टिंग थिएटर गैम्बलिंग इज एक्टिंग थिएटर गैम्बलिंग क्विकली ऑप्शन नंबर एकेज ऑप्शन नंबर ए दसिनो वेरी गुड सो दैमलिंग इज कसी रॉयल एक मूवी है क्वेश्चन नंबर इलेवन सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्विकली विजिले अलर्ट वायेबल क्या इसका बच्चों जल्दी से थोड़ा सा हिम दे देता हूं मैं ये आपका सिनोनिम है, है ना तो बताना है जल्दी से अगर विजिलांस का सिनोनिम अलर्ट है तो वायबल का सिनोनिम क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज यूजफुल नो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट वन वे यू नीड टू अमेंड योर आंसर क्विकली वट इज द सिनोनिम ऑफ वायबल वायबल मीन्स समथिंग वायबल मीन्स समथिंग विच कैन बी कैरीड आउट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड वायबल वेन आई से फ्लाइंग अव टेन थाउजेंड मीटर इज वाइबल नाव एज इट वॉज नॉट इन द एटीन सेंचुरी इन दैवेंटीन सेंचुरी इट मीन्स बच्चों एक ऐसा इवेंट एक ऐसा एक्टिविटी जो पॉसिबल है इस रियल लाइफ में वो आपका वायबल कहलाता है, है ना तो यहाँ पर अगर वाइबल है तो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है एक्टिव आपका दूसरा हो गया होपलेस का मतलब डिस्पेयर हो गया ये आपका फिजिबल है फिजिबल का मतलब याद की जब बच्चों रिसर्च की जब मैंने क्लास ली थी मैंने क्या पढ़ाया था A Good research is always feasible. Feasible visible something which can be perceived in the real life experience, which can be perceived in real world. you say real world may carry out kar sakte ho. that is called feasibility. Sakta ho, that you know uh, counting numbers is feasible, but counting all those common nouns, counting all those abstract nouns is not feasible. When I say kindness, i can never measure this kindness i can only compare it so whenever you cannot count anything it is called it is called non-feasible do remember the antonym of feasible is non-feasible something which cannot be attained in the real world in the real life clear very good something which is possible very good so the option number c question number 11 option number c will be the right one क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ये बच्चों आपको देखना है यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर वर्ड है ट्वेल्व से इज द बुद्धा सेड होल्डिंग ऑन टू अंग इज लाइक ग्रेस्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स यू आर द हु गेट्स बर्न मतलब अगर आप किसी आग के गोले को हाथ में पकड़ते हैं जोर से इट मीन्स अगर आपका इंटेंशन भी किसी को हार्म पहुंचाना है यू आर द वन हु विल फेस द हार्म एट द सेम टाइम नाउ यू नीड टू फाइंड आउट इस ग्रेस्पिंग वर्ड का जो मीनिंग है इस चार ऑप्शन में से बच्चे किसके साथ सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है चलिए जल्दी से बताना है ये आपके गेट 2016 का क्वेश्चन है चलिए जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर जल्दी से बच्चों अभी तेरह क्वेश्चन और बचे हैं टाइम टोटल तेरह मिनट एक मिनट एक क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर क्या है जल्दी से ओके सो सो फार राकेश इज ऑप्शन नंबर ए एंड एंड सर नहीं नहीं पा रहे क्या नहीं पा रहे नहीं समझ आ रहा ओके आफरा जी कह रहे सर ऑप्शन नंबर सी होगा ओके सो वेरी गुड देखिए बच्चों फ्लिंगिंग का मतलब क्या होता है पहले हम इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं देखिए फ्लिंगिंग और क्लचिंग इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि जब भी आप फ्लिंगिंग की बात करते हो जैसे मैंने मान लेता है ये पेन पकड़ा है बच्चों ये पेन पे लिखने वाला हमारा स्मार्ट पेन है मान लेते हैं अगर मैं इसको जोर से नीचे फेंकता हूँ किसी भी चीज़ को निशाना बना के जैसे आप वो मान सकते हैं जो हम खेलते हैं ना कभी कभी वो निशाना लगाने वाला आर्चरी या बो कह सकते हैं आप तो वो आपका एक बिल्कुल ऐसा होता है जो कैलकुलेटिव होता है बट फ्लिंगिंग का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो आप केयरलेसली फेंक देते होना चाह के जैसे कपड़े हो गए कोट हो गया बुक्स हो गए तो ये फ्लिंगिंग है जहाँ पे अन इंटेंशनली या फिर इंटेंशनली आप किसी ऑब्जेक्ट को केयरलेसली थ्रो करते हैं ये आपका फ्लिंगिंग है क्लचिंग का मतलब क्या होता है क्लचिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट है बट आपने उसको ग्रिप करके पकड़ा हुआ है यू आर नॉट थ्रोइंग अप यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग यू आर सिंपली होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओके तो ये आपका क्लचिंग है देखिए क्लचिंग वर्ड क्या है बच्चों वो होता है ना क्लच और ब्रेक आपके टू व्हीलर में क्लच एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार दबाना पड़ता है क्यों ताकि गियर आप बदल सके इन अ सिमिलर वे इस पर आप देखोगे लाइक ग्रैसपिंग अ हॉट कोल ग्रेस्पिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कस के पकड़ना क्लच हमेशा पकड़ के रखना पड़ता है है ना ब्रेक छोड़ना पड़ता है दैट्साइ यहाँ पे आंसर क्या होगा इज देअर एनी ट्रिक टू नो दंसर हाँ जी देवी दत्ता जी जरूर आंसर है देखिए इसका आंसर ये यह है यहाँ पे यहाँ पे देखिए किसका सेंस है होल्डिंग ऑन टू अंग होल्डिंग का मतलब कोई भी चीज आप पकड़ के रखे हैं तो पकड़ के रखे हैं बच्चों देखिये पहला बर्निंग है यहाँ पे है ना किसका मीनिंग पूछा है ग्रेसपिंग का पूछा है ना किसके ग्रेसपिंग का है दिस एंग किसके कंपेरिजन में है हॉटकोल के कंपेरिजन में है? तो हॉट कॉल बच्चे यहां पे किस चीज के से क्लचिंग ग्रेस्पिंग के सेंस में आपने कस के पकड़ के रखा है जब भी ग्रेस्पिंग का सेंस आएगा आपने वो वर्ड ढूंढना है जिसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग हो किसी भी चीज को होल्ड ऑन टाइट करके सेंस में होल्ड ऑन टाइट अब देखिए बर्निंग जो है वो होल्ड ऑन टाइट तो नहीं है इग्नाइटिंग क्या है इग्नाइटिंग मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना सो दैट अ प्रोसेस विल स्टार्ट एंड इट विल लाइट अप है ना एल आई जी एच टी यू पी लाइट अप है ना लाइट अप द टॉर्च ये एक आपका बच्चों ई हो गया लाइट ऑफ द टॉर्च का मतलब होता है टू स्टार्ट एनी सेरेमनी है ना टू स्टार्ट एनी सेरेमनी एनी फंक्शन एनी थिंग दैट इज देयर ओके फ्लिंगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को थ्रो करना क्लचिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के रखना इन दैट सेंस बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है बात रही ट्रिक की तो देवी दत्ता जी एक काम आप कर सकते हैं नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हर दिन क्लास ज्वाइन करें डेफिनेटली आपको ये सारे जो ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के डेफिनेटली निकल के आएंगे डेफिनेटली जितने भी बच्चे हैं जिनका आंसर गलत हो रहा है याद रखना है आपने नेक्स्ट वीक से ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे हर एक दिन बच्चों हम लोग क्या करेंगे रैपिड फायर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सॉल्व कर डालेंगे हम हमारा टारगेट रहना चाहिए एग्जाम आने तक कम से कम हज़ार से लेकर पंद्रह सौ हो जाने चाहिए अगर हजार से पंद्रह सौ क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों तो डेफिनेटली जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे आप सही सही मार के आओगे ट्रस्ट में तो मंडे से ट्यूजडे से हर दिन जुड़ना है आपने तीन बजे से लेकर तीन पचास के बीच में जुड़ेंगे सभी जल्दी से यस और नो टाइमिंग तीन बजे से सेम टाइम है बच्चों तीन बजे से तीन पचास क्लियर है आएंगे सब लोग जल्दी से यस और नो कहना है जल्दी से यस और नो देखते हैं आप लोग कितने एक्साइटेड है इस क्लास के लिए ओके जल्दी से ओके चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो आंसर क्या है बच्चों ऑप्शन नंबर सी दैट इज क्लचिंग होल्डिंग ऑन टू समथिंग वेरी टाइट दैट यू आर नॉट लेटिंग इट स्लिप फ्रॉम योर ग्रिप ओके दिस इज द पर्टिकुलर आंसर टू दिस क्वेश्चन क्लियर यस चलिए सबने बच्चों गेट में इंग्लिश का क्वेश्चन सारे सही करके आना है पेपर वन भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को रिसर्च वहाँ भी हमारा पहला क्लास था मुझे याद है आज भी उस टाइम पे मैंने आई एफ एस ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर जो फर्स्ट बैच था मेरा सेट वाला और नेट के भी बच्चे थे तो हम लोगों ने एक टारगेट रखा था स्टार्टिंग में कि बच्चों रिसर्च में टोटल हमारे पेपर वन में पांच क्वेश्चन आते हैं कॉमन और इंग्लिश का एक अलग पोर्शन होता है जिसमें दो तीन क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं रिसर्च में तो फर्स्ट डे हमारा टारगेट था बच्चों कि पांच के पांच क्वेश्चन हमने रिसर्च में सही करके आने हैं उसके लिए चाहे हमें जो मर्जी करना हो हमने तीन तीन घंटे बारह बारह घंटे का मैराथन किया और हम लोगों ने बिल्कुल जितने भी बच्चे अपेयर हुए सबका लगभग रिसर्च में लगभग क्वेश्चन रहते हैं इनफैक्ट पेपर वन में पेपर वन में हमारा आई में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इनफैक्ट हर दिन आप देखोगे तो पेपर वन की क्लास चलती है आप यूट्यूब पर जाएँ हर दिन आपको कोई ना कोई पेपर वन का क्लास मिलेगा पता कैसे करना है एन टी ए यू जी सीनेट चैनल पर जाना है और वहाँ पे लाइव क्लासेस देखनी कब का स्केड्यूल्ड है ओके नेक्स्ट वीक भी है बच्चों मंडे से आपका हर एक यूनिट में जितने क्वेश्चंस आज तक आए हैं पेपर वन में वो तो सारा डिस्कशन स्टार्ट होगा सुबह नौ बजे से ठीक है आई के एन टी ए यू जी सीनेट चैनल पर आना है बच्चों अगर आपके पास पेपर है अगर पेपर वन भी आता हो तो क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन द बेस्ट थिंग टू डू इज टू एडमिट गिल्ट यहां पे बच्चों आपने बताना है कौन सा सेंटेंस है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस वेन आई से द बेस्ट थिंग टू डू इज टू एडमिट गिल्ट तो बच्चों ये टू एडमिट जो है वो क्या है जल्दी से बताओ ये कंजंक्शन है जैरन है प्रोनाउन है या फिर इंफिनिटिव है देखिए जैरन क्या होता है जैसे मैं कहता हूं राम प्लेस फॉर एग्जाम्पल ओके और मैंने अगला सेंटेंस बनाया प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ तो बच्चों जेरन जो होता है जेरन का मतलब है कोई भी एक ऐसा वर्ब जिसमें आपने क्या किया हो कोई भी एक ऐसा वर्ब जिसमें आपने आईएनजी ऐड कर दिया हो जैसे ही आप आईएनजी ऐड करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर बी देट इज जेरन कहलाएगा तो अगर ये आपका बच्चों जेरन होता है तो टू एडमिट आपका जेरेंड तो होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा गलत हो गया देखिए प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन वो होता है जो नाम की जगह यूज होता है अब बताइए यहाँ पे नाउन की जगह यूज हुआ है एडमिट नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया कंजक्शन क्या होता है बच्चों कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को क्या करता है कनेक्ट करता है कनेक्टर बट हो गया जैसे है ना तो ये जो होते हैं आपके कनेक्टर होते हैं एंड हो गए आपके ये सारे कनेक्टर हैं इनको कंजंक्शन कहते हैं है ना अगला क्या आपका इंफिनेटिव इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है एक वैसा सेंटेंस जहाँ पे एब्स्ट्रैक्टनेस वाला कॉन्सेप्ट हो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड आरिफा जी वेरी गुड आकांक्षा जी ऑप्शन नंबर सी ये आपका बच्चों कौन सा सेंटेंस है ये आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस है क्यों इन्फिनेटिव है क्योंकि आपका जो एडमिट है है ना ये जो एडमिट है आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो है ना आप कितने ज़्यादा अपने गलती से पछता रहे हैं आप सिर्फ कह सकते हो बोल सकते हो ये डिपेंड करेगा सामने वाले के ऊपर वो भरोसा करता है या नहीं करता है ओके तो इसलिए आपका टू एडमिट जो है वो क्या है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों ये इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा वेरी गुड जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है देखिए हम लोगों ने जब क्लास किया था बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैंने क्या कहा था आपसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं पी वाई क्यू ओके याद रखना है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इट वॉज इंडीड द मोस्ट बिजा द मार्केट आइडेंटिफाई सेंटेंस इन द इनवर्टेड कॉमा दैट इज बिजा बी आई जेड ए डबल आर ई बताइए क्या इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 क्या इसका आंसर बिजार बच्चों क्या वॉज इंडीड द मोस्ट बिजा है मार्केट जल्दी से बताए बच्चों क्या होगा इसका आंसर जल्दी से क्विकली वी आर नॉट है क्या बच्चो इसका आंसर इट वॉज इंडीड द मोस्ट बिजा चले बच्चों सिर्फ बारह मिनट बचा है तो मैं फटाफट क्वेश्चन के आंसर कराना स्टार्ट करता हूं वरना जल्दी से आंसर दे ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा जी शेज़ ऑप्शन नंबर सी सर इट इज आकांक्षा जी वेरी गुड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड टू दिस क्वेश्चन व्हाई क्योंकि बच्चों इस सेंटेंस में देखो ये आपका क्या है मोस्ट मार्केट है आपका ये दिखाता है किसी भी एक चीज़ के बारे में बता रहा है ना तो यहाँ पे आपको हैपनिंग लगेगा हो सकता है यहाँ पे वर्ब हो लेकिन यहाँ पे क्या है ये आपका नाउन है तो इस नाउन को ये एक्सप्लेन कर रहा है कैसा नाउन है ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है एब्सर्ड है बिजा है है ना तो इसलिए आपका बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे इस हैपनिंग को कह देंगे कि सर ये वर्ब है ये वर्ब नहीं है आपका ये आपका एक नाउन है और जब भी नाउन की क्वालिटी को कोई एक वर्ड बताता हो वो आपका क्या है एडजेक्टिव है ओके okay? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज एडजेक्टिव वेरी गुड बच्चे चले क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंग्लिश टू क्वेश्चन नंबर वन इट वॉज आस्ट इन इंग्लिश पेपर टू सो द क्वेश्चन से फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर हिस्स सर्जरी राजा हार्डली कुड वॉक After his surgery, Raza could barely work. Here, Raza barely could work, and here, Raja could hardly work. You need to find out which one of the following is grammatically correct. Quickly. Quickly answer with say. Kya guys answer? Kya iska answer? राजा हार्डली कुड वॉक राजा कुड रिमेंबर जब बच्चों हम लोगों ने कैन और कुड का यूज़ किया था याद है कैन एंड कुड कैन किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों जल्दी से बताएं कैन हम यूज़ करते हैं कोई भी एक ऐसा इवेंट जो आपके कैपेबिलिटी को बताता हो है ना किस टेंस में प्रेजेंट में कुड क्या है कुड आपके पास्ट टेंस को बता रहा है यहाँ पे देखिए जितने भी आपके बच्चों क्या है स्टेटमेंट हैं ये सारे पास्ट स्टेटमेंट हैं अगर पास्ट स्टेटमेंट है तो बच्चों क्या यूज़ होगा यहाँ पे कुड यूज होगा है ना अगर कुड यूज़ होगा बच्चों तो हमेशा आपको याद रखना है कैन और कुड या फिर जो मोडालिटी होते हैं मोडालिटी हमेशा किसके पहले यूज़ होते हैं मोडालिटी हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है बच्चों है ना वर्ब के पहले है ना यहाँ आपको देखो क्या है बेयरली वॉक बेयरली आपका है, क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे बेयरली एडवर्ब है वर्क आप वॉक आपका क्या है वर्ब है राजा आपका क्या है यहाँ पे नाउन है और दिस सेंटेंस क्या है ये सारा पास्ट टेंस में तो जब भी पास्ट टेंस में हो कुड का इस्तेमाल होगा कुड हमेशा वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब से पहले आएगा सो इन दैट सेंस बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा है ना ये बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है देखिए आ गया ना वापस से कैन और कुड का इस्तेमाल आपको बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट कल किए हैं कैन कुड मे माई मस्ट ऑट टू शेल वेल शुड वुड कैन कुड किस तरीके से यूज करना हम लोगों ने रूल देखे हैं तो आप जाए प्लीज देखें और उनको एक बार रिवाइज करें वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी चले क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फाइव पी वाई क्यू आई वोक अप फ्रॉम स्लीप आई वोक अप फ्रॉम स्लीप आई वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप आई वॉज वेकंड फ्रॉम द स्लीप क्या आंसर बच्चों जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए ये वो कप फ्रॉम स्लीप कौन सा टेंस है बच्चों पास्ट है ये है ना जब भी आपका कोई भी एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक डिटेचमेंट का यूज होता हो सेंस तो वो क्या होगा बच्चों फ्रॉम इस्तेमाल होता है, है ना हम लोगों ने देखा है जैसे जैसे क्या होता है आई एम गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस ए टू प्लेस बी इट मीन्स फ्रॉम मैं एक प्लेस को डिटैच कर रहा हूं तो डिटैचमेंट के सेंस में बच्चों हमेशा क्या होगा फ्रॉम यूज़ होगा है ना यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल है अब देखो ये सारा से, सेंटेंस किस में है पास्ट में है तो देखो आई वो क फ्रॉम स्लीप जब भी आपका पास्ट टेंस में हो, हमने क्या पढ़ा है बच्चों सिंपल पास्ट जो होता है उसमें वर्ब का बेस फॉर्म लगता है यहाँ देखो क्या फॉर्म है बेस फॉर्म है कौन सा सेंटेंस होगा जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा सेंटेंस होगा ये सिंपल पास्ट होगा है ना सो इन दैट सेंस बच्चों आपका ऑप्शन नंबर वन क्या है सही है अब देखिए वोकडअप है ये तो नहीं होगा क्यों क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया चलिए थ्री में देखते हैं आई वॉज वोकन अप फ्रॉम द स्लीप जब भी वॉज और वर् का यूज होगा बच्चों याद रखना पास्ट परफेक्टेंस क्या है कंप्लीट हो चुका है है ना बट वो कॉन्टिन्यूड है इन द प्रजेंट पास परफेक्टेंस क्या है उसके साथ क्या आना चाहिए आपके पास वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म आना चाहिए वोकन क्या है पार्टिसिपल फॉर्म है इसलिए आपका आई वॉज वोकन अप फ्रॉम द स्लीप ऑप्शन नंबर थ्री भी आपका सही है है ना तो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर थ्री देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री बच्चों ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री आपका ऑप्शन नंबर थ्री है तो ये सही होगा क्लियर है बच्चों क्लियर है ये देखो यहाँ पे वॉज है तो पास्ट में हमने पढ़ा है वॉज एंड वर्ड जब भी होता है प्रेजेंट में क्या होता है बच्चों इज एम और आर होता है है ना हमने पढ़ा है तो जब भी इज एम आर हो तो हमेशा प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा अगर पास्ट का सेंटेंस होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा उस सेंस में बच्चों आपका यहाँ पे वो कन इस्तेमाल हुआ है ठीक है चलिए वेरी गुड बच्चों वेरी गुड जिनका आंसर ऑप्शन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अगेन गेट टू आपका देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रपोजिशन से है preposition something which states the position of any particular object question about you the ultimate loss of life is a cause of is a cause of serious global concern as thousands of people get killed death accidents every year while many others die death diseases like cardiovascular disease and cancer etc now you need to find out what is the correct use of preposition here quickly answer okay but is cancer what will be the answer see the ultimate loss of life is a cause of serious global concern as thousands of people get killed as. so in accidents remember whenever we talked about this particular use of in we always see that in in the sense that whenever something says the containment about the containment it means the book is in the drawer it means the book is contained inside the drawer so something which is contained always in will be used तो बच्चे जब भी एक्सीडेंट होता है तो वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है जब डिटैचमेंट हो बच्चों तो सी गलत हो गया डी गलत हो गया है ना ये हमारा क्या हो सकता है सही हो सकता है ड्यूरिंग अब देखिए ड्यूरिंग क्या होता है ड्यूरिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस जैसे मैं कहता हूँ देट uh, क्या कह सकता हूँ बच्चों मैं ये कह सकता हूँ uh, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम एक्सपैन की बात करते हैं जैसे इंग्लिश लिटरेचर में हम कहते हैं द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट फ्राम हेयर टू हेयर और वी कैन से दैट ड्यूरिंग द रन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ मतलब किसी भी एक गैप को जब हम रेफर करते हैं जब भी मान लेते हैं मैंने कहा हंड्रेड टू टू हंड्रेड है ना तो ये आपका ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है है ना तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट क्या है एक फ्लैश में होता है, है ना इसलिए आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भी गलत होना चाहिए यहां पे क्या है इन किल्ड इन एक्सीडेंट्स एवरी ईयर देखिए किल्ड है ऑन द स्पॉट डेथ है तो ऑन द स्पॉट है बच्चों तो ड्यूरिंग का कोई सिस्टम नहीं है ड्यूरिंग तब आएगा जब आएगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मतलब एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल लाया गया ट्रीट किया गया फिर भी उनको नहीं बचाया जा सका ये ड्यूरिंग है क्योंकि एक पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस में डॉक्टर सर्जरी आईसीयू जो भी है एंड अल्टीमेटली डेथ तो ये ड्यूरिंग है जब एक प्रोसेस हो लेकिन हमेशा आपको याद रखना है जब भी सडन हो या कंप्लीटली उसमें इनग्रेन हो तो हमेशा इन यूज होगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सत्रह का सही है बच्चों चलिए अठारह नंबर का आंसर बताएं क्या है क्वेश्चन नंबर एटीन वेरी गुड श्रावणी जी वेरी गुड वैभवी बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन का क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर एटीन से पीपल वर प्रोहिबिटेड डैश देयर वहीकल्स नियर द एंट्रेंस ऑफ दिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सो ये एक ऐसा इवेंट है बच्चों जो किस को शो कर रहा है किसको शो कर रहा है टेंस बताएं अगर जल्दी से बताए इसका आंसर क्या होगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्यों क्योंकि ये एक प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है बच्चों एक ऐसा इवेंट जो प्रेजेंट में हो रहा है तो जब भी प्रेजेंट में हो रहा है तो आईएनजी आना चाहिए तो देखिए बच्चों ईडी तो कैंसिल हो गया यहाँ पे यहाँ भी देखिए है तो ये भी कैंसिल हो गया अब इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है लेकिन बच्चों इसमें सेंटेंस का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड क्या है बच्चों प्रोहिबिशन का है मतलब अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट मतलब पार्किंग करने से मना किया गया उस स्पेस से उनको अलग किया गया तो जब भी स्पेस से अलग करने की बात होती है क्या यूज़ होता है हमेशा हमेशा क्या यूज़ होता है बच्चों फ्रॉम यूज होता है तो फ्रॉम हमारा ऑप्शन नंबर सी है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए फ्रॉम पार्किंग होना चाहिए क्लियर है बच्चों फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला सेंस आप ले सकते हैं ओके okay? क्योंकि ये इंसिडेंट कंप्लीट हो चुका है ईडी लगा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में हुआ है लेकिन ये कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में रिमेंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन प्रेजेंट में इंसिडेंट है बट ऑलरेडी कंप्लीट है उसका रिलेवेंस प्रेजेंट में भी है मतलब जितने भी बाहर खड़े हैं उनको पार्किंग से मना किया गया है कर दिया गया है वो अभी वही उस सेंस में है इन दैट सेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन समझ में आया बच्चों वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अट्ठारह चले क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं आई लव लिविंग ईयर ये आपका बच्चों डिग्री है कंपेरिजन ऑफ डिग्री ये आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री का क्वेश्चन है अगेन गेट एग्जामिनेशन पी वाई क्यू अगेन गेट एग्जामिनेशन पी वाई क्यू बताए बच्चो आई लव लिविंग हेयर इट्स डैश कन्वीनियंट दैन वेयर आई लिव बिफोर क्विकली आंसर ऑप्शन नंबर बी मोस्ट मोस्ट नो मोस्ट इज नॉट द करेक्ट वन सी बच्चों जब भी देखिए दो डिग्री होता है आपके पास एक तो बेस फॉर्म है एक आपका कंपेरिटिव होता है और एक आपका सुपरलेटिव होता है है ना सुपरलेटिव आपको याद रखना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो है ना हमारे पास तीन वर्ड है क्या है मच मोर एंड मोस्ट ये आपके तीन है है ना मच मोर एंड मोस्ट तो ये जो मोर वाला है बच्चों, ये आपका होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में प्राइमरीली यूज़ तो क्या होना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर ए चलिए जैसे मैं लिखता हूं हेल्दी एच ई ए एल टी एच वाई तो हेल्दी का बच्चों कॉम्पेरेटिव क्या होगा हेल्दी एच ई एल टी एच आई ई आर एंड देन वी विल हैव हेल्दी एस्ट एच ई ए एल टी एच आई ई एस टी तो जब भी कम्पेरेटिव फॉर्म होगा बच्चों किससे एंड होगा ई e आर से एंड होगा जब भी सुपरलेटिव होगा वो हमेशा ई एस टी से एंड होगा जो आपका अगला क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का क्या आंसर है बच्चों क्विकली वॉट इज दंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए अभी मैंने बताया आपको जब भी कंपेरिटिव फॉर्म हो हमेशा क्या यूज होना चाहिए ई आर यूज होना चाहिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो हमेशा ई एस टी यूज होना चाहिए वेरी गुड आरिफा जी वेरी गुड बच्चे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है ई आर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विल बच्चे हम लोगों ने बात किया है मॉडल वर्ब के बारे में कल विल के बारे में बात किया है तो आपने आइडेंटिफाई करना है देखिए ये भी पी वाई है बच्चों तो आपने बताना है इसमें से विल जो आपका एक मॉडल वर्ब है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है चलिए जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विल एज अ मॉडल वर्ब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों विल जो होता है हमेशा किसके लिए होता है फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आई विल गो टू दिस प्लेस यहाँ पे हमने दो कंडीशन बात की थी आप डेफिनेट हैं या फिर इनडेफिनेट हैं है ना जब भी आप डेफिनेट हैं तो बी गोइंग टू इनडेफिनेट है तो विल तो होगा है ना ये हम लोगों ने कल बात किया हुआ है तो टू फॉर्म फ्यूचर सेंटेंस सही है टू एक्सप्रेस वॉट समन इज अलाउड टू डू जैसे मैं कहता हूँ यू विल गो टू दिस प्लेस टूमोरो है ना टू एक्सप्रेस वॉट समन इज अलाउड टू डू एंड अगला है टू मेक अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर है ना आप इससे भी कर सकते हैं विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये क्या है बच्चों एक रिक्वेस्ट है विल यू ईट दिस आइसक्रीम दिस इज एन ऑफर तो विल हमेशा रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होगा ऑफर के लिए भी यूज होगा टू इशू कमांड और अ मैक्सिम जब कमांड इशू करते हैं और मैक्सिम के लिए जैसे मैं कहता हूं विल यू प्लीज शट अप तो ये क्या है बच्चों ये कमांड हो गया मैक्सिम जैसे आ, जैसे मैं कहता हूं कि आ, प्लीज़ गो देयर विल यू प्लीज़ गो देयर ये क्या है एक रिक्वेस्ट हो गया लेकिन वो एक रिक्वेस्ट भी एक कमांड के फॉर्म में है तो आपका इशू अ कमांड और अ मैक्सिम भी सही है तो ऑप्शन नंबर सी है आपका टू एक्सप्रेस व्हाट समवन इज अलाउड टू डू ये आपका किससे होता है बच्चों ये आपका मे से होता है जैसे मे आई गो टू वॉशरूम कैन आई गो टू वॉशरूम ये भी सही हो सकता है लेकिन मे हम यूज़ करते हैं ओके सो इन दैट सेंस ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी दैट इज टू एक्सप्रेस वट समन इज अलाउ टू ये आपका ये नॉट है बच्चे नॉट है ना तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ कंडीशनल सेंटेंस देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस आर दो सेंटेंसेज विच विल डिपेंड अपॉन इट्स प्रिमाइज फॉर एग्जाम्पल वी हैवे सेंटेंस सेव लाइक आई विल बी गोइंग टू यूरोप इन अगस्त है ना नंबर वन नंबर टू शी विल बी मूविंग टू अलास्का इफ शी कैन सेव अप इनफ मनी दैट विल बी योर फादर एट द डूअर नंबर फोर यू विल नॉट पुट अपूइंग योर कोर्स इन ए लॉन्ग देखिए बच्चों कंडीशनल का मतलब है कि एक कंडीशन फुलफिल होगी तभी दूसरा कंडीशन होगा जैसे इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू डेफिनेटली विल क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका गेट नहीं होगा ये एक कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो डिपेंड करेगा इसके कंक्लूजन के ऊपर तो अगर वो बहुत ज्यादा पैसा बचा लेगी तो डेफिनेटली शी विल बी मूविंग टूवर्ड्स यूरोप ओके सो इन दैट सेंस ऑप्शन नंबर बी बाइस का आंसर क्या है बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन चले फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हि ओके सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री स्टेट दैट नॉट ओनली डैश फूड बट वी ऑल्सो नीड वॉटर नाउ इन यर सेशन वी टॉक अबाउट how to deal with this topic not only but also remember this topic and whenever a particular sentence starts with not only we always need to keep in our mind that we need to place our we need to place our either noun or a pronoun either noun or a pronoun before this particular yeah before this particular food that is here whenever it starts with noun okay so here you will find that uh, here it is food here right? so food is a kind of noun you can say so here we will have we will we have talked about the uses of do and does very good uh, not very good very good option number a not only do we need food but also we need water कल हम लोगों ने बच्चों बात किया है आप कल वाला क्लास देखे पीडीएफ देखे डेफिनेटली आपको मालूम चलेगा क्या आंसर है अब यहां देखिए आई नॉट ओनली डैश वेल बट आई ऑल्सो डांस अमेजिंगली बताइए इसका आंसर क्या है जल्दी से जल्दी से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से क्या होगा बच्चो? well, बच्चों ऑप्शन नंबर सी नॉट ओनली डू आई सिंग वेल बट आई ऑल्सो डांस अमेजिंगली बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है ये आई है फर्स्ट पर्सन सिंगलर फर्स्ट पर्सन सिंगलर हो तो क्या होता है आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन सिंगलर हो तो आपका जो ये वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बच्चों याद आया तो नॉट ओनली आई नॉट ओनली सिंग वेल बट आई ऑल्सो डांस अमेजिंगली ओके आई है बच्चो यहां पर अगर आई नहीं होता तो डू आई आना चाहिए था देखिए यहां पर डू आई सिंह है आई नॉट ओनली डू आई सिंग कैसे हो सकता है सो इन दैट सेंस आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ओके सो बच्चो आपको जब पी डी एफ मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखना कि ग्रामेटिकली इन करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ओके okay? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना मूविंग फर्दर बच्चों ये आपके लास्ट क्लास थी इस पूरे वीक की हमने बहुत सारी चीजें की जैसे टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमने रैपिड फायर भी किया है जल्दी से बच्चों बताएं आपके कितने कितने मार्क्स हैं क्विकली देखें आकांक्षा जी का सबसे ज्यादा सही है मेरे अकॉर्डिंग आरिफा जी आप भी अपना बताएं शिवानी जी आप भी बताएं जितने भी लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है वैभवी जी सब लोग बताएं चलिए आकांक्षा जी कह रहे हैं सर चौबीस में से टोटल उन्नीस क्वेश्चन सही हैं ओके चलिए अगला किनका है चलिए शिवानी जी श्रावणी जी आपका कितना है जल्दी से बताएं चलिए जो भी है वेरी गुड एवरीवान आप लोग पढ़े ऐसे ही नेक्स्ट वीक से हर दिन ट्यूजडे एंड सैटरडे हम लोग इस तरीके के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके टिल देन प्लीज डू टेक केयर स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग विथ आई एफ एयर्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट पर्टिकुलर ऑफर रिगार्डिंग दैट डाउनलोडिंग द दजिस्टरिंग देयर सेंडिंग योर कोर्स एंड योर इन्वेंट नंबर टू दैट व्हाट्सएप दैट दैट इज देयर टू एक्टिवेट योर सेल्फ एज यू नो टू बिकम अ पार्ट ऑफ द बैच लाइफ इन्वायरमेंट मतलब आपने डाउनलोड करना है बच्चों रजिस्टर करना है यूज़र नेम और सब्जेक्ट भेज आपने यूजर नेम भेजना है और सब्जेक्ट भेजना है जिसके लिए आपने रजिस्टर किया है ठीक है और रजिस्टर करने के बाद आप जब भेजेंगे आपका एक्टिवेट होगा बैच लाइव में जाएँ और पार्ट लें अगर इंग्लिश में आपको लगता है बहुत ज़्यादा वीक है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है नेक्स्ट वीक से मीन्स थर्टी ऑफ जनवरी से बच्चों इंग्लिश का गेट बैच लाइव लॉन्च हो रहा है मीन वाइल अगर आपको लगता है और जल्दबाजी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं बच्चों उस केस में यहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आपको रिकॉर्डिंग टीचर हैंड के साथ है ठीक है आप इनके साथ भी जा करके अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चलिए मिलते हैं फिर ट्यूजडे वी इन्जॉयड अलाउड इन दिस यू नो दिस वीक आई होप वी विल इन्जॉय एंड वी विल कॉन्टिन्यू द सेम In our next week yeah so i hope all of your presence in next session as well please do take and stay safe